पनडुब्बी से टाइटैनिक देखने गए सभी 5 अरबपतियों की मौत। 1912 में समंदर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए गए 5 अरबपतियों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी दुर्घटना का शिकार हो गई है और उसमें सवार 5 अरबपति यात्रियों की मौत हो गई है। पिछले कई दिनों से कई देशों के बचाव दल उस लापता हुई पनडुब्बी को खोजने में जुटे थे। बता दें कि पनडुब्बी की ओनर कंपनी ओशियन गेट ने इस हादसे की पुष्टि की है। ओशियन गेट कंपनी में अपने बयान में कहा है कि हमने टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी यात्रियों को खो दिया है। इस हादसे पर हम शोक व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उन 5 यात्रियों के परिवारों के साथ है। हालांकि यह दुखद हादसा हुआ कैसे, इस बारे में कंपनी ने अभी कोई विवरण नहीं दिया। कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि जो पनडुब्बी रविवार 18 जून के सुबह 6 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में अपनी यात्रा के दौरान लापता हुई थी, उसके चालक दल के पास 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन थी और गुरुवार सुबह वह ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह को जानने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि लापता पनडुब्बी में 10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया था जिसने काम करना बंद कर दिया होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी जब गहराई में जा रही थी तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई होगी और ये भी हो सकता है कि वो टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकराकर फंस गई हो और इस सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं।